नमस्कार, मेरा नाम सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनसाइड अर्थ, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज आएगा जब हम अर्थ के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैंने अज्यूम कर लिया, कुछ अजम्पशन कर लेते हैं। पहला अजम्पशन तो यही है कि मेरी जो अर्थ है वो कैसी है, एक परफेक्ट स्फीयर है, और इसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इसकी डेंसिटी क्या है, एक यूनिफॉर्म डेंसिटी है। ओके, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। नाउ इनिशियली मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो मेरा पार्टिकल है वो कहाँ पर है, इस पॉइंट ए पर है। कोई एक पार्टिकल ले लिया मैंने जो इनिशियली कहाँ है, इस पॉइंट ए पर है। अब ये पॉइंट ए कहाँ है, इस अर्थ की सरफेस में है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इस अर्थ की सरफेस में जो मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना है, जी है। कितना है, कहाँ पर, अर्थ की सरफेस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, जी है। नाउ अगर मैं इस जी की वैल्यू निकालूँ तो जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एट पॉइंट ए। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, एट पॉइंट ए, अगर मैं पॉइंट ए पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालूँ तो वो कितना हो जाएगा मेरा, सिंपल दिस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। वह कैपिटल एम क्या है, इस पूरी अर्थ का मास है, और हमने ऐसा अज्यूम किया है कि ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये यूनिफॉर्मली मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि इस अर्थ का पूरा मास कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो ये स्मॉल जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर एक कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। से इट इज सम इक्वेशन वन। ओके, नाउ अब जैसे कि अभी हमने कहा कि जो ये इसकी जो डेंसिटी है इस अर्थ की कितनी है, रो है, और ये कैसी डेंसिटी है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। और हम जानते हैं फ्रॉम डेफिनेशन डेंसिटी, अगर डेंसिटी में रो लूँ तो रो इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी पढ़ा है हमने। तो डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, एम, एम यानी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई वी यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अभी हमने कहा कि जो अर्थ हमने कैसी एज्यूम कर रखी है, एक परफेक्ट स्फेयर एज्यूम कर रखी है। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एम डिवाइडेड बाई 4/3 πr³, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ से। अगर यहाँ से मैं m निकाल सकता हूँ तो यहाँ से मेरा m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा 4/3, या रो इधर इंटू होगा, रो पाई r की पावर 3। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो बेस में है इसको मैंने इधर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया रो के साथ। तो मेरे पास m इक्वल टू या मास ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना आ गया, 4/3 रो पाई r क्यूब। से इट इज इक्वेशन टू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन टू को इस इक्वेशन वन में क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन टू कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन वन में, यानी एम की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर देंगे हम। तो मेरा यहाँ से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कैपिटल जी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ऐसे रहा। और इस एम की जो क्या पुट कर देंगे हम, ये वैल्यू पुट करें, कितनी है ये वैल्यू, 4/3 रो पाई आर की पावर 3। देखो ये आर स्क्वायर से ये आर क्यूब, यहाँ कितना आर बचेगा, सिर्फ एक आर बचेगा। तो मेरा यहाँ से जी, स्मॉल जी इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/3 ये कैपिटल जी रो पाई आर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया एट पॉइंट ए। से इट इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये तो कहाँ पर है, इस एट पॉइंट ए पर है, यानी अर्थ की सरफेस में जब मेरा पार्टिकल है वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना आया, इतना आया इन टर्म्स डेंसिटी, यानी डेंसिटी के टर्म में निकाल दिया हमने। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पार्टिकल को कहाँ ले जा रहा हूँ, इस अर्थ के अंदर ले जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहा हूँ, अर्थ के अंदर ले जा रहा हूँ, और कितनी हाइट तक ले जा रहा हूँ, डी हाइट तक ले जा रहा हूँ। हाइट या डेप्थ भी बोल सकते हैं हम, कितने अंदर ले जा रहा हूँ, डी डेप्थ अंदर ले जा रहा हूँ। कहाँ से, अर्थ की सरफेस से। ठीक है, यानी अर्थ के सरफेस से कितना अंदर ले गए हम, डी हाइट तक अंदर ले गए या डी डेप्थ तक अंदर ले गए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आंसर में ड्रिल किया, और ड्रिल करके पार्टिकल को इस ए पॉइंट से कहाँ पहुँचा दिया, इस बी पॉइंट पर पहुँचा दिया। अब यहाँ पर छोटा हमको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही मैं इस पार्टिकल को इस बी पॉइंट पर ले जाता हूँ, इस पार्टिकल में दो टाइप से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है।
अगर मैं इस अर्थ को कुछ ऐसा अज्यूम करूं कि ये दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एक तो ये स्फेयर जिसकी रेडियस कितनी है r माइनस डी है, इतना कितना हुआ d हुआ, यानी एक तो एक स्फेयर है r माइनस डी, और इस r माइनस डी स्फेयर को किसने घेर रखा है बाहर से, एक स्फेरिकल सेल ने घेर रखा है जिसकी थिकनेस कितनी है d है। इसको देख पा रहे हो आप, हमारे पास क्या है, एक स्फेयर है, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, और जिसकी रेडियस कितनी है r माइनस डी है, जो डॉटेड लाइन के अंदर है, वो एक स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है r माइनस डी है, ठीक है, और इसको किसने घेर दिया, एक एक स्फेरिकल सेल ने घेर दिया इस तरीके से, ये बाहर वाला, और जिसकी थिकनेस कितनी है d है, ओके। तो यहाँ पर जो ये पार्टिकल b पॉइंट पर है, इस पर एक फोर्स तो कौन लगाएगा, ये स्फेरिकल सेल लगाएगा, क्योंकि इसके पास भी कुछ मास है, और एक फोर्स कौन लगाएगा, ये जो इसके अंदर यानी जिसके बाहर ये b है पॉइंट है जिस पर ये, और ये स्फेयर भी क्या लगाएगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर दो पॉइंट है, फिर से देखते हैं क्या है कि जब ये पार्टिकल इस ए पॉइंट से कहाँ आया, बी पॉइंट पर आया, तब मैंने इस अर्थ को ऐसा अज्यूम कर लिया कि ये एक तो इस स्फेयर से मिलकर बना हुआ है जिसकी रेडियस आर माइनस डी है, और दूसरा इस स्फेयर को एक स्फेरिकल सेल ने घेर रखा है जिसकी थिकनेस कितनी है डी है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारी अर्थ को बना रहे हैं, ठीक। तो जब पार्टिकल इस पॉइंट बी पर है तो इस पर एक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाएगा, ये स्फेयर लगाएगा जिसकी रेडियस आर माइनस डी है, और दूसरा कौन लगाएगा, ये स्फेरिकल सेल लगाएगा जिसकी थिकनेस कितनी है डी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो बाहर का जो स्फेरिकल सेल है वो इस बी पॉइंट पर कितना फोर्स लगाएगा, या फिर जो पॉइंट, जो पार्टिकल इस बी पॉइंट पर है उस पर कितना फोर्स लगाएगा, ओके। मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बना दिया, ये स्फेरिकल सेल बना दिया मैंने, और यहाँ पर एक पार्टिकल रख दिया, ठीक। अब होगा क्या, ये अंदर से खोखला है, ठीक। अब यहाँ पर हमने पार्टिकल रखा है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर ये पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है इस पूरे सेल में, क्योंकि पूरी अर्थ का हमने मास कैसा ले रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ले रखा है, और ये सेल भी क्या है, अर्थ का एक पार्ट है, तो इसका मतलब इस सेल का मास भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पर फोर्स, कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, कुछ फोर्स ऐसे 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 लगेगा। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी स्फेरिकल सेल के कारण स्फेरिकल सेल के अंदर रखे हुए पार्टिकल में लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। फिर से सुनिए, क्या कहा मैंने कि अगर हमारे पास कोई एक स्फेरिकल सेल है जिसकी थिकनेस डी है, और उसके अंदर मैंने कोई एक पार्टिकल रख रखा है, तब उस पार्टिकल पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। यानी इस स्फेरिकल सेल के कारण इस पॉइंट बी पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, या ये बोल सकते हैं फोर्स तो लगेगा लेकिन नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या हो रहा है, हर डायरेक्शन में, इधर को भी लग रहा है, 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 तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो पहला पॉइंट तो हमने यहाँ से क्या नोट किया, फोर्स ड्यू टू स्फेरिकल सेल या नेट फोर्स ड्यू टू स्फेरिकल सेल ऑफ थिकनेस डी इज जीरो, जब हमारा पार्टिकल कहाँ पर है, एट पॉइंट बी पर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पहले एट पॉइंट बी पर पहला केस क्या है हमारा, पहला तुमको क्या मिल रहा है, क्या नेट फोर्स ड्यू टू सेल ऑफ थिकनेस डी इज ज़ीरो, ठीक है, यानी जो हमारी ये बाहर की सेल है इसके कारण बी पॉइंट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब इसका तो बाहर का तो क्या हो गया, आप इसको मैं आप हटा सकता हूँ, थोड़ा दिमाग में बैठाइए कि बाहर का है ही नहीं, तो हमारे पास क्या है, अब एक स्फेयर है जिसकी रेडियस आर माइनस डी है, और इसकी सरफेस में क्या रखा हुआ है, एक किसी पॉइंट बी पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, तो अब निकालना है कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, ओके। नाउ तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल एट पॉइंट बी ड्यू टू स्फेयर ऑफ रेडियस आर माइनस
डी, क्योंकि बाहर वाले से तो कुछ एक्सेलरेशन होगा नहीं, क्योंकि बाहर वाले से फोर्स कितना है, जीरो है, अगर ऑफ थिकनेस डी जीरो, अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो एक्सेलरेशन केवल किसके कारण होगा, इस स्फीयर के कारण होगा जिसकी रेडियस कितनी है, आर माइनस डी है। तो हम यहाँ से लिख देंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या सिंपल यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू स्फीयर ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस कितनी है रेडियस की, आर माइनस डी, और मैंने इसका मास अज्यूम कर लिया, कितना अज्यूम कर लिया मैंने, एम डैश अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक। ऑफ रेडियस आर माइनस डी एंड मास एम डैश एट पॉइंट, कहाँ पर, एट पॉइंट बी इज कितना हो जाएगा, एट पॉइंट बी मैंने अज्यूम कर लिया कितना है यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी डैश है, कितना है यहाँ, जी है, यहाँ कितना अज्यूम कर लिया मैंने, जी डैश है, देन दिस जी डैश विल बी इक्वल टू, फिर अगेन बाय डेफिनेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डैश इक्वल टू जी एम, मास ऑफ दिस स्फीयर, मास ऑफ दिस स्फीयर कितना अज्यूम कर रखा है मैंने इधर पर, एम डैश कितना है, एम डैश डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर, आर कितना है इसका, आर माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है, आर माइनस डी का स्क्वायर, से इट इज इक्वेशन नंबर टू, सॉरी कितना, वन टू थ्री, से इट इज इक्वेशन फोर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे आएगा फिर क्या है, कैलकुलेशन है, ठीक। अब क्या कर देंगे, देखो ये क्या है, एम डैश है, ठीक। तो एम डैश को मैं किसके टर्म में लिख सकता हूँ, डेंसिटी के टर्म में लिख सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री, और इससे अगर यहाँ से मैं, सॉरी कहाँ से, इधर से अगर इसको देखूँ और यहाँ से भी एम डैश केवल निकालना चाहूँ, सिंस एम डैश कैन बी रिटन है, जैसे कि डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो जितनी डेंसिटी इस पूरे स्फीयर की थी वही डेंसिटी किसकी होगी, ये छोटे वाले स्फीयर की होगी जिसकी रेडियस कितनी है, आर माइनस डी है। तो यहाँ से एम डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, फोर बाई थ्री रो पाई आर, आर की जगह क्या आ जाएगा आप, आर माइनस डी की होल पावर थ्री। ये क्या आ गई मेरी एम डैश की वैल्यू, कहाँ से लिखी, इसको देखकर लिखा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, आर चेंज हो जाएगा। ये किसके लिए थी, ये बड़े वाले स्फीयर के लिए, पूरी अर्थ के लिए था, लेकिन ये किसके लिए है, ये छोटे वाले स्फीयर के लिए है जिसकी रेडियस आर माइनस डी है। तो मैंने सिंपल आर की जो क्या पुट कर दिया इधर, आर माइनस डी पुट कर दिया। अब इस एम डैश की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन फोर में पुट कर दो, मुझे क्या मिलेगा, जी डैश मिलेगा इधर से। तो देखो जी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल जी, एम डैश की वैल्यू पुट करनी है हमको, तो कैपिटल जी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, आर माइनस डी की होल पावर टू होल स्क्वायर इंटू कितना है इधर, फोर बाई थ्री रो पाई आर माइनस डी की होल पावर थ्री। देखो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इधर जी डैश इज इक्वल टू कितना आया, फोर बाई थ्री जी रो पाई दिस वन आर माइनस डी, इतना बचा, से इट इज इक्वेशन नंबर फोर हो गया है। इक्वेशन क्या कर दो इसको, फाइव कर दो। ये क्या निकला, जी डैश यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी निकल गया। ये क्या था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए था। दोनों के बीच कंपेयर करना, तो क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड एंड दोनों को क्या निकाल देंगे, रेशियो। तो नाउ अब हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फाइव डिवाइडेड बाई इक्वेशन कितना कर देंगे, थ्री। इक्वेशन फाइव को इक्वेशन थ्री से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो जी डैश डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू ऊपर ये वाला आएगा, तो फोर बाई थ्री जी रो पाई इंटू आर माइनस डी, एंड डिवाइड में कितना आ गया, यही आ जाएगा, कितना है ये, फोर बाई थ्री जी रो पाई इंटू आर आ जाएगा। देखो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल आउट। तो मेरे पास इधर से जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे पास, आर माइनस डी डिवाइड बाई आर, इस आर को एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ से मेरे पास जी डैश इज इक्वल टू कितना बच गया, जी इंटू वन माइनस डी डिवाइडेड बाई आर आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी आ गया।
अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे मैं डी की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, जैसे जैसे मैं डी की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो जी की वैल्यू इस सरफेस में जी की वैल्यू के कंपेरिजन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे जैसे मैं डी को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मैं अर्थ के सेंटर की ओर जाऊंगा वैसे वैसे मेरी जी की वैल्यू सरफेस में है उसके कंपेयर में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक, तो यहाँ से हमको ये पता चला। नाउ एक स्पेशल केस की बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सेंटर। ठीक है, तो स्पेशल केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, एट सेंटर ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के सेंटर पर देखेंगे तो अर्थ के सेंटर पर डी इजिकल किस हो जाएगा, डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। तो अर्थ की सरफेस में डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस कितनी हो जाएगी, डी हो आर हो जाएगी। तो डी एट दिस केस डी इजिकल टू आर, अगर यहाँ पर डी की जगह आर पुट करोगे तो हमारे पास यहाँ से जी डैश इजिकल टू जी इंटू वन माइनस आर अपॉन आर, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके हमारे पास यहाँ से जी डैश इक्वल टू जीरो। यानी अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो गई है तो अर्थ के सेंटर पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या ये बोले हम अर्थ के सेंटर पर जो आदमी का वेट होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक, यहाँ से हमको ये पता चला। अब एक और केस लेते हैं, केस सेकंड एट सरफेस, कहाँ पर, एट सरफेस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। अगर d इज इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ऐसे g डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, g के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती है, और सबसे कम कहाँ पर होती है, सेंटर पर होती है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, सरफेस पर होती है। तो ये क्या हो गया हमारा वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कब, जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं। ठीक, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आज के बाद इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।